दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। सबसे पहले आपको बता दें, ये एक बड़ी जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं मिलेगा, अब वहां पर दूध मिलेगा। शिवराज सिंह ने एक बार फिर अपना ये फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में सुना दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में ये पहली बैठक जो है गो कैबिनेट की पहली बैठक कराई गई थी। इसी में उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में गाय का दूध ही दिया जाएगा। अब इस मुद्दे पर हम और चर्चा करेंगे, आप सब भाई बहनों से कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें। ये देखिए, संचालन में स्वयं सहायता समूह की रहेगी भूमिका। जैसे उत्तर प्रदेश में कच्चे राशन में किसकी भूमिका है, स्वयं सहायता समूहों की है, यहां पर भी दूध वितरण और घी वितरण में भी स्वयं सहायता समूह की भूमिका है, ऐसे ही एमपी में भी वही सेम टू सेम रहेगा। आगे देख लीजिए, मध्य प्रदेश में गो संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं दूध मिलेगा, इसको गोपालकों का दूध बिकेगा और उन्हें लाभ वगैरह भी होगा। गौशालाएं भी चलेंगी और आगरा मालवा के सालरिया वगैरह में स्थित गो अभ्यारण्य में गो जो है संवर्धन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। गाय के गोबर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा, गोमूत्र से औषधियां उपयोग में वृद्धि की जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई गो कैबिनेट की बैठक में इसके संगठन की रूपरेखा जो है प्रस्तुत की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गाय के गोबर का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, पर्यावरण को बचाने में गो कास्ट का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाएगा, गौशालाओं के संचालन के लिए कानून वगैरह भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गो संवर्धन और संरक्षण का काम सिर्फ पशुपालन विभाग का नहीं है, भोपाल वगैरह इसके लिए जो है कृषि वन सहित जो है अन्य विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जो गौशालाओं को कास्ट का उपयोग बढ़ाने का काम कर रही है उन्हें प्रोत्साहित वगैरह करेंगे। फिलहाल के लिए एक बात और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुपोषित बच्चों के परिवारों को सीधा गाय ही सौंप दिए। कुपोषित एक तो बच्चों का परिवार है, ऊपर से जो आपको बता दें वो कुपोषित बच्चे को गाय भी जो दी जा रही है वो भी कुपोषित है, मतलब गाय खुद ही जो है गौशालाओं से दी जा रही है, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो खुद कुपोषित है, और ऐसे में वो दूध क्या देंगी और उनको खिला कुपोषण उनका मिटाया जाए या बच्चों का वो मिटा पाएंगी। तो समस्याएं कई सारी हैं, फिलहाल यहां पर सरकार सीधा दूध देने के लिए कह रही है। लिखा है, गौशालाओं के संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों को सहभागी बनाया जाएगा, कुछ जगह उन्हें संचालन के लिए गौशालाएं भी दी जाएंगी। अब ये देख लीजिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वहां पर गौशालाएं संचालन के लिए दी जाएंगी, मतलब गौशाला की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर भी सौंपी जाएगी। बताया जा रहा है विभाग इसकी जो है कार्ययोजना तैयार कर रहा है, आत्मनिर्भर वगैरह मध्य प्रदेश के रोड मैप में इसे शामिल किया गया है। कृषि आय दोगुना करने में पशुपालन का बड़ा महत्व है, इसके बाद जो शिवराज सिंह जो है सालरिया गो अभ्यारण पहुंचे हैं, यहां देश के प्रमुख जो है गो विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से गो संरक्षण एवं संवर्धन पर चर्चा कराई गई है। एक बात और बता दें, यहां पर ये कह रहे हैं और ऐसे ही आप लोग खुद सोच लीजिए गाय को लेकर के ये मैटर जो चल रहे हैं यहाँ पर, तो फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो है इसके बारे में वो किया जा रहा है और दोगुनी आय हो जाएगी कृषि को लेकर के, तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन पहले भी तो सरकार ने कहा था कि किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, हमारी सरकार आएगी, और आप लोग जानते हो इस समय किसानों की आय कितनी दोगुना हो गई है। धान बिक रहा है जो है 900 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, ऐसे ही जो है थोड़ा ऊपर नीचे गेहूं जा रहा है, मक्के का कोई पता ही अता नहीं है, इतना सस्ता जा रहा है। तो ये है सच्चाई, किसानों के दिन बदले नहीं है और ज्यादा नीचे आ गए हैं। अब आगे ले चलते हैं, आपको कुछ और बताना चाहेंगे। जैसे आप देख लीजिए, ये कुपोषण दूर करना हो गया है जो है, यहां पर देख लीजिए, कुपोषण दूर करना हो तो गाय का दूध पिलाएं, अच्छी बात है, कुपोषण अगर मिटाना है तो गाय का दूध पिलाएं, सही बात है। लेकिन यहां पर जो है गो पूजन से मिलता है पुण्य, रेखा देवी जी हैं, इन्होंने अपना बयान दिया है। फिलहाल आपको और बताना चाहेंगे, जिले भर में गायों की सेवा कर मनाई गई है गो जो आपकी गोपाष्टमी। डीएम ने आवास पर जो अपने पत्नी व बेटियों के साथ में गो पूजन किया है, तो अच्छा लगता है जब ये गौ का पूजन होता है। गौ को जो है यहाँ पर चुनरी वगैरह भी जो है यहाँ पर वो करी डाली गई उनके ऊपर। फिलहाल के लिए आपको एक बार और बता दें, तो यहां पर अगर
लाभार्थी वगैरह पर इतना ही फोकस किया जाए, कुपोषित परिवारों पर या बच्चों पर फोकस किया जाए तो शायद और अच्छा रहेगा। और गायों को चुनरी उड़ाने से अच्छा है कि गाय को खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाए। और जितनी भी गौशालाएं सरकार ने बनवाई है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं गलत नहीं कह रहा, जितनी भी गौशालाएं अपने यहां खासकर यूपी में बनी हुई है, तो उन गौशालाओं को जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक बार जा करके सभी डीएम और हमारे मुख्यमंत्री जी जाकर के चेक कर लें कि वो उन गौशालाओं का हाल क्या है। इतने लंबे समय के बाद वहां पर गाय वगैरह है तो कैसे उनकी जो है देखरेख की जा रही है। एक आध गौशालाएं जहां पर अच्छी होती वहां पर अधिकारी विजिट कर लेते, उसके बाद कुछ नहीं होता है। बाकी आप देखिए खुले में ऐसे गाय बेचारी, हम आगे कहना नहीं चाहते, बहुत कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं लगता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये गोपाष्टमी और ये जो आप मना रहे हो, ये सिर्फ अच्छी जगह पर जाकर के ना मनाइए, वहां पर भी जाइए जहां पर गौशालाओं की हालत खराब है। वहां पर रहने वाली बेचारी गाय क्या वो गाय माता नहीं है? तो उनकी भी तो आप कुछ फिक्र करिए। तो फिलहाल जो है कैबिनेट मंत्री ने गायों का किया है पूजन, ये देख लीजिए। ऐसे पूजन बस होते रहते हैं जैसे हमारा विभाग किसी अच्छे केंद्र पर जाकर के कार्यक्रम मना लेते, फोटो भेज दी जाती है, बस हो गया। लेकिन गरीब आंगनबाड़ी के जो केंद्र होते हैं, जहां उनके केंद्र नहीं होते हैं, उनके खुद के भवन नहीं होते, वहां जाकर के कोई विजिट नहीं करता, ये सच्चाई है। ऐसे ही आपके गौशालाओं को लेकर के भी है। गौशालाएं जब भी मैं निकलता हूं बाहर इधर उधर, जब देखता हूं पता चलता है यहां पर गौशाला बनी है, वहां पर बेचारे खुले में ऐसे ही जो है जानवर गाय वगैरह घूम रही है, ना वहां पीने के लिए पानी है, ना उनके खाने की व्यवस्थाएं है, ना उनके लिए ऊपर छत है, कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी गौशाला जैसा नहीं। गौशाला का मतलब ये नहीं होता है कि चारों तरफ गड्ढा खोद दो और कांटे वाले तार लगा दो, उसी के अंदर उन जानवरों को बस कैद कर दो। ना खाने के लिए कोई पूछ रहा है, ना पानी के लिए पूछ रहा है, और ना उनके ऊपर कुछ जो है छावनी टाइप का, कुछ भी नहीं है। इस तरह की गौशालाओं को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद में आप गोपाष्टमी मनाएं, ये हमारी तरफ से सलाह है। बाकी अच्छे अच्छे केंद्रों पर विजिट कर लेना, ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है। साथ ही बता दें, एक ये मैसेज देख लीजिए आ रहा है, ये है आपके राजस्थान से। यहां पर बालोतरा पड़ता है राजस्थान में, आंगनबाड़ी सहायिका चयन में मनमर्जी भारी पड़ी है। मतलब आंगनबाड़ी सहायिका का चयन यहां पर अधिकारियों ने भ्रष्टाचारी के चलते किया है, जिसके कारण ये सब हुआ है। पूर्व सरपंच 5 साल के लिए अयोग्य करार कर दिए गए हैं। ग्राम सेवक जो है गौतम चंद व महिला पर्यवेक्षक रजनी जैन, इनके खिलाफ 16 CCA कार्रवाई वगैरह भी की गई है। अच्छा होता अगर हमारी हेमलता शर्मा बहन थी, उनके मामले में जो अत्याचार वितरण में हुआ है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए अगर, तो वहां के भी प्रधान और उनके वहां विभाग की जो सुपरवाइजर है, इनके ऊपर कार्रवाई निश्चित है, क्योंकि इनके ही मिलीभगत से सारे जो है मौखिक रूप से गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए काम कराए जा रहे थे। आगे देख लीजिए यहां पर एक और इसमें क्या लिखा हुआ है, विभागीय दिशा निर्देशों नियम एवं चयन के लिए जो भी निर्धारित प्रक्रिया है ना, उसका उल्लंघन करने के साथ साथ आयु सीमा में 2 वर्ष की अनुचित छूट देते हुए कम आयु वाली अयोग्य अभ्यर्थी का आंगनबाड़ी सहायिका का चयन करने पर संभागीय आयुक्त जो है डॉक्टर समित शर्मा, इन्होंने ग्राम पंचायत गोल स्टेशन के पूर्व सरपंच चोखाराम को 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। वहीं विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव गौतम चंद तथा महिला पर्यवेक्षक श्रीमती रजनी जैन, इनके खिलाफ 16 CCA में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने बताया है कि समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक की ओर से प्राप्त पत्र में बताया गया कि गोल स्टेशन के पूर्व सरपंच चोखाराम ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने 2 अक्टूबर 2015 को आयोजित ग्राम सभा में विभागीय दिशा निर्देश नियमों एवं चयनों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अनुचित छूट प्रदान करते हुए कम आयु वाली अयोग्य भर्ती श्रीमती भंवरी देवी का आंगनबाड़ी सहायिका का चयन किया है। इस प्रारंभिक जांच की विस्तृत जांच वगैरह कराने का निर्णय लेते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर को विस्तृत वगैरह जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। संभागीय डॉक्टर जो है शर्मा ने बताया कि विस्तृत जांच के दौरान संबंधित को अपना प्रश्न प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और विस्तृत जांच में आरोपियों वगैरह जो भी हैं वो पुष्टि होने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के प्रावधान के तहत जो है चोखाराम को जो है 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। कितना अच्छा रहा, अगर ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे जो है यहां पर एक्शन लिए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को जो पढ़े लिखे हैं या जिनका हक है उन्हीं को जो है रोजगार या नौकरी मिल पाएगा। यहां पर देखिए प्रधान की मनमानी से और ये सहायता का चयन किया गया था, जिसके चलते 5 साल के लिए जो है सरपंच को पता चला है कि कैसे जो है काम किए जाते हैं। अब अच्छा रहा। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आज का वीडियो आप सबको ये छोटा सा सुबह का कैसा लगा। उम्मीद करते हैं अगला वीडियो जो 11 बजे आएगा उसका इंतजार जरूर करना। अभी सुबह सुबह जो है वीडियो में मैंने ये 3 खबरें लगाई हैं जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है। मैटर था गाय को लेकर के, ऐसे ही जबरदस्ती जो है कुपोषित परिवारों को सरकारें उत्तर प्रदेश में गाय सौंप रही हैं और जो सौंप रही हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि हर जगह गौशालाएं एक जैसी नहीं, ना ही वहां सेवाएं हो रही हैं। और
दूसरी तरफ आप देख रहे हो ये गोपाष्टमी मनाई जा रही है। अच्छी पच्छी एक किसी गौशाला में जाकर के जो है अधिकारी लोग जाते हैं वहां पर किसी गाय को चुनर वगैरह जो है उड़ा देते हैं, उसके बाद में पूजन कर देते हैं, बस मना लिया गया कार्यक्रम। जबकि इस कार्यक्रम ऐसे मनाने से कुछ नहीं होगा, आप जमीन पर यानी भूतल पर जाइए और देखिए जाकर के वहां पर कैसे तमाम और भी गौशालाएं हैं वहां पर बेचारी गाय कैसे जो है अपना रात दिन काटती है, व्यतीत करती है, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं और